अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, अभी आप जो नज़ारा देख रहे हैं ये अहदपुर की जामिया मस्जिद, और मैं आपको अंदर से बताऊंगा इसका नज़ारा पूरा। तो चलिए दोस्तों, अंदर चलते हैं। तो दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं जामिया मस्जिद का नज़ारा, याखतपुर, तालुका ज़िला बिदर। तो दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं माशाल्लाह लाइटिंग वगैरह सब काम मुकम्मल है। अभी भी काम इसमें कुछ है कराना, एल्यूशन भी कलर माना है। अभी वोल्यूशन का कलर वगैरह, और असल में उसमें और क्या क्या काम है अभी? एल्यूशन भी कलर है जी, पार्किंग में गार्डन है, और ऊपर वाले फ्लोर में भी अभी गिला वगैरह है ना, टाइल्स वगैरह सब कलर का काम वगैरह सब है। तो जो भी हजरात सदक़ा जारिया में और सवाब जारिया में अपना हिस्सा डालना चाहते हैं तो यहाँ पर आप मस्जिद की तामीरी में हिस्सा ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आपको नज़दीक से बताऊंगा मैं। बॉडी भी देखो, बॉडी भी मेंशन करो। तो आप देख रहे हैं मस्जिद, तो आइए दोस्तों अभी आपको बताऊंगा पर मैं। यह है हमारे गांव की मस्जिद की बॉडी, इसी से मोटर से पानी यूज़ किया जाता है, और हमारे गांव की मस्जिद की जो टाकी है, पानी की वजू खाना है यहाँ पर। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे वजू खाने का भी काम चेंज कराना है, और यहाँ पर जो वॉशरूम है, तहारत खाने, इनको भी चेंज कराना है। और ये है हमारे मस्जिद पर चढ़ने के लिए सीढ़ियों पर काम बाकी है। अभी यहाँ पर भी उसका गिलावे का और बाउंड्री का वगैरह काम बाकी है। अंडर कंस्ट्रक्शन अभी काम उसमें बाकी है। और यहाँ पर जो भी जमात के लिए आते हैं उनके लिए रहने के लिए जगह है, और यहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए जगह है। और यहाँ पर जो चूल्हे आप दिखा रहे हैं, ये रोज़ेदारों की दावत के लिए इंतज़ाम किया गया है माह रमज़ान के महीने में। यहाँ पर मस्जिद में नया सा वाटर फिल्टर लगाया गया है, और हमारे इस्लाम भाई वाटर पी रहे हैं यहाँ पर पानी, माशाल्लाह आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो आइए आपको हम अंदर से मस्जिद दिखाएंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर मस्जिद की सीढ़ियाँ, पूरा ग्रेनाइट और मार्बल से बनाया गया है। ये ग्रेनाइट और मार्बल से बनाया गया कट्टा है, और लाइट से चमकने वाला पत्थर चमकदार होता है लाइट से। और यहाँ पर पूरा टाइल्स का डिज़ाइनिंग है, याखतपुर जामिया मस्जिद। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं याखतपुर जामिया मस्जिद, यहाँ पर हमारी मस्जिद का नाम है। तो दोस्तों, अभी हम अंदर अभी आपको बताऊंगा मस्जिद का कि कैसे तामीरी का काम चला है। ये है हमारे मस्जिद में नीचे टाइल्स, और यहाँ पर है आप देख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं याखतपुर जामिया मस्जिद, और देखेंगे माशाल्लाह। और यहाँ पर मस्जिद की तामीरी की गई है इटालियन पत्थर से, ये पूरा इटालियन पत्थर है। तो दोस्तों, अभी हम मस्जिद के टॉप फ्लोर पर हैं, और अब नज़दीक से दिखाई दे रहे हैं। अभी आप नज़दीक से देख रहे हैं मीनारों को कि कैसे माशाल्लाह बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। ये लाइटिंग कलर चेंज कर दिया है मीनारों, किस तरह से डिज़ाइन उसका बनाया गया है। अभी आप देख रहे हैं लाल से वाइट, फिर हरी हो गए। तो दोस्तों, अभी आप मीनार को देख रहे हैं नज़दीक से, कितने खूबसूरती से यहाँ पर लाइटिंग उसको लगाए गए हैं, और एक कलर चेंज कर रही है मीनार।
आप देख सकते हैं कैसे कलर चेंज हो रहा है, लाइटिंग की डिज़ाइन उस तरह से बनाई गई है। और यहाँ पर एक और मीनार है, तो दोस्तों अभी आप व्यूज़ देख रहे हैं, नाइट व्यूज़ द रॉयल विलेज याखतपुर। आप देख सकते हैं कि याखतपुर कैसा दिखाई देता है रात के वक्त, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। और ये रही मस्जिद की मीनार, ये है दूसरी मीनार, छोटी है। और ये याखतपुर का नाइट व्यूज लाइटिंग एरिया, 25 की है, 4-4 फुट का कितना है, मतलब ये लाइटा नहीं मीनार के साथ चीज है, नहीं अलग से सेट करें लाइटा, है लगा सकते हैं कारीगरों के साथ लगाने सेटिंग करने लगा सर, लाइटा की बात कर रहा हूँ। 700 रुपये इसमें जमा करते हैं, एक लाइट एक एक कुछ 4 है 24। तो दोस्तों अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर मस्जिद और याखतपुर का पूरा हाई व्यूज एरिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर नाइट में किस तरह से लाइटिंग वगैरह है। और ये है मीनार की लाइट जो चेंज हो रही है फिलहाल। टोटल कितने कलर, कितने कलर इसमें ये करे सर? 7 अलग अलग कलर में तब्दील होती है एक मीनार पर 24 लाइट, एक एक मीनार पर 24 लाइट का इंतज़ाम किया गया है। यहाँ से यहाँ तक 4, फिर ये सेक्शन से और एक बार 4, फिर वो सेक्शन से 4, टोटली कितने हैं? 24 लाइट एक एक मीनार पे है। 25 फीट की मीनार है, आप यहाँ पर देख सकते हैं मीनार का कलर चेंज हो रहा है, एक साथ में दोनों मीनार का कलर चेंज होता है। इंशाल्लाह आपको सुबह का भी उसमें दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये है याखतपुर की लाइटिंग, और वहाँ पर जो दिखाई दे रही है आपको दूर वो है सातुली की लाइटिंग, ये है सातुली की लाइटिंग, और उससे थोड़ा सा दूर बुधेरी की लाइटिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बुधेरा है, बुधेरा उसके बाद हासिमपुर कमठाना, और यहाँ से आपको रॉयल सिटी इधर भी दिखाई देगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये लाइटिंग है रॉयल सिटी बिदर की लाइटिंग, ये वाली लाइटिंग जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ से हाई व्यूज जो बारीक बारीक दिख रही है रॉयल सिटी बिदर, और वहाँ से कम काफ़ी ज़्यादा दूरी पर यहाँ से दिखाई दे रही है जहीराबाद की लाइटिंग, ये बड़ी लाइट की वजह से दिखाई नहीं दे रहा। और ये रहा याखतपुर शहर, हमारा रॉयल विलेज याखतपुर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर टॉप व्यूज ऑफ मस्जिद एलिवेशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एलिवेशन का, ये रहा कट्टा, और ये रहा मस्जिद का गेट। तो दोस्तों यहाँ से दिखाई देता है रॉयल सिटी बिदर, यहाँ पर जो आप बारीक लटा दिख रही हैं। तो दोस्तों अभी तक आप देख रहे थे याखतपुर की जामिया मस्जिद, अल्लाह के फजल व करम से काम मुकम्मल हुआ और उसमें काफ़ी काम बाकी है। तो जो भी हजरात सवाब जारिया में हिस्सा अपना लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप मस्जिद की तामीर में अपना हिस्सा ले सकते हैं। तो दोस्तों आपसे मिलेंगे नई जगह नए वीडियो पर। तो अभी आप देख रहे थे याखतपुर जामिया मस्जिद, ताल्लुका ज़िला बिदर।